हर महादेव, बम बम भोले, जय भोलेनाथ। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हमारे अलग अलग रूप हैं भगवान शंकर के, भगवान शिव के। लेकिन जिस रूप की मैं आज बात करने जा रहा हूँ इस अंक में, वो है उनका वैद्यनाथ का रूप, जिसमें वो आपको निरोग्य प्रदान करते हैं, आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। और आज मैं बोल रहा हूँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कि मेरे पीछे है, बैजनाथ। बैजनाथ जगह का नाम भी है और मंदिर भी है, जो कि भगवान शिव के बहुत पुराने मंदिरों में से एक है। इसकी महिमा लगभग उतनी ही है जितनी 12 ज्योतिर्लिंगों की है। ये हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ शहर या कस्बा आप कह सकते हैं, वहाँ पर स्थित है। ये लगभग 1000 पुराना मंदिर है। मंदिर बेशक 1000 पुराना है, जो कि यहाँ के 2 लोकल लोगों ने बनवाया था, लेकिन शिवलिंग उससे पुराना है। पुरानी कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि रावण, जो कि एक बहुत बड़ा भक्त था शिवजी जी का, उन्होंने बहुत पूजा की, उन्होंने उनसे वरदान मांगा, शिवजी जी प्रकट हुए। शिव, उन्होंने कहा बोलो वत्स क्या चाहिए। रावण जी ने कहा आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग के रूप में आपके साथ चलता हूँ, जो वरदान मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन आप इस शिवलिंग को नीचे नहीं रखोगे, ज़मीन पे रखा तो ये आपका वरदान चला जाएगा। रावण लेके उनको जाने लगा, देवता लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, सब विष्णु जी के पास गए कि अगर रावण ने कोई वरदान ऐसा ले लिया तो सृष्टि के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तो विष्णु जी ने किसान का रूप लिया। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वो किसान के रूप में काम करने लगे। जब रावण आया, थक गया, उन्होंने उनको विष्णु जी जो कि किसान के रूप में थे, कहा कि भाई आप इसको पकड़िए ताकि मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ। विष्णु जी इस मौके की इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उसको ज़मीन पर रख दिया और शिवलिंग वही स्थापित हो गया। कहते हैं ये वही शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चलिए आपको इसके दर्शन कराते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस मंदिर के पीछे रावण का बहुत बड़ा हाथ है। रावण सारी दुनिया जानती है कि बहुत बड़े शिव भक्त थे, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने उनकी आराधना की, किस तरह से उन्होंने भगवान शिव को अपने साथ आने को मना लिया और किस तरह से शिवलिंग यह स्थापित हुआ। यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि इस शहर में कभी भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता और दशहरा नहीं मनाया जाता, और यहाँ तक भी मान्यता है कि अगर कोई पुतला जलाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है नहीं होती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन दशहरा नहीं मनाया जाता, ये हकीकत है, ये सच है। और एक दूसरा सच, इस पूरे शहर में कोई सोने की दुकान, कोई ज्वेलर की दुकान नहीं है। इसके पास में 2 किलोमीटर दूर एक कपरोला शहर है, वहाँ पर अनगिनत दुकानें हैं ज्वेलर्स की। यहाँ पे ज्वेलर्स की दुकान इसलिए नहीं है कि इसका माना जाता है कि चूंकि सोने की लंका जलाई गई थी तो एक तरह का श्राप है यहाँ पे, और अगर कोई सोने का काम यहाँ शुरू करता है तो उसका, जिसे कहते हैं, सर्वनाश हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और सच ही होगी, वरना लोग करते क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे ना कोई आभूषण की दुकान है यानी कि सोने की, और ना यहाँ पे दशहरा मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आज हमें लाभ मिला इस मंदिर के दर्शन करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमेशा की तरह मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।